हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नए तरीके से गाजर का हलवा बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसे मैं एक तरफ गैस पे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। दूध को मैंने गैस पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसे मैं अच्छे से बॉईल करना है। दूध मैंने अभी जो लिया है वो कच्चा है। अगर आपका उबला हुआ दूध भी होगा तो भी चलेगा। मैंने 2 किलो गाजर लिए। इसका जो छिलका था उसे मैंने अच्छे से निकाल के इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ से आप अच्छे से मसल मसल के धोइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मिट्टी के अंदर रहती है, उसके कारण इसके ऊपर रेती काफ़ी सारी रहती है। इसे मैंने पहले भी वॉश करा था, छिलका उतारने के बाद इसे मैंने डबल से धोया था। आप देख सकते गाजर बिल्कुल हमारी एकदम साफ है। मैंने ज़्यादा मोटी गाजर का यूज़ नहीं करा है। आज जो मैं आपको हलवा बनाना बता रही हूँ उसके अंदर हम बिल्कुल कम से कम चीज़ों का यूज़ करेंगे और मेहनत हम कम से कम करेंगे। ना ही इसके अंदर मैं मिक्सी का यूज़ कर रही हूँ, ना ही फ्रूट प्रोसेसर का, ना ही मैं ग्रेटर का। आपको बिल्कुल अलग तरीके से आज मैं गाजर का हलवा बनाना बता रही हूँ। और घी भी हम सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हम घी का यूज़ भी नहीं करेंगे। ना ही इसके अंदर मैं मावे का यूज़ कर रही हूँ, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं नहीं डाल रही जो हमें बाजार से लानी पड़े। सिर्फ हमने दूध का ही यूज करा है, 2 लीटर, इसीलिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। गाजर को इस तरह से आपको गोल गोल कट करना है। ये देखिए, इस तरह से अगर गाजर को हम काटते हैं तो काफी जल्दी हमारी कट के तैयार हो जाती है। ना ही ज्यादा मोटा काट रही हूँ इसे मैं, ना ही एकदम पतला, इस तरह से मीडियम काट रही हूँ। ज्यादा मोटी अगर गाजर लेते हैं तो इसके अंदर का जो हिस्सा रहता है हमारा थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, इस टाइप से कलर का ज्यादा निकलता है। और पतली गाजर के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। इसी तरह से मैं सारी गाजर को काट कर तैयार कर लूंगी। देखिए, सारी गाजर मैंने काट के इस तरह से तैयार कर ली है। कलर इनका आप खुद देख सकते हैं, अंदर से बिल्कुल भी वाइट नहीं निकला। एक गाजर में थोड़ा सा ग्रीन निकला था, उसे मैंने अलग कर दिया। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी गाजर। गैस पे मैंने थोड़ी सी बड़े साइज की कढ़ाई का यूज करा है। आप भी थोड़ा सा बड़े साइज के बर्तन का यूज कीजिए अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में हलवा बना रहे हैं तो। इससे क्या होता है, इसे अच्छे से धुआं, इसका बॉईल होना, इसका जो पानी भाप है उसको निकलने की जगह अच्छी मिल जाती है, इसलिए थोड़े से बड़े साइज का बर्तन का यूज कीजिए। इसी के अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस को बिल्कुल लो कर रही हूँ मैं। सारी गाजर में इस तरह से चम्मच रखने से ये रहता है कि जो घी रहता है वो हमारे ऊपर उड़कर नहीं आता। बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। गैस को हमें तेज कर रहे हैं। इसे हम तेज गैस में कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि गाजर को हम तेज गैस में थोड़े से घी में कर रहे हैं चिपक जाएगी। ये देखिए, गाजर का खुद का पानी रहता है, इतना पानी हमारा निकल गया है। बिल्कुल फुल मैंने गैस इसे रखा था, इसे अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। जो मैं दूसरी तरफ गैस पे दूध उबलने के लिए रखा था उसी में से मैं आधा दूध इसमें डाल दूंगी। 1 लीटर दूध में पूरा इसमें डाल दूंगी। 1 लीटर दूध में इसे इसी तरह से उसी गैस के ऊपर बॉईल होने दूंगी ताकि वो उसमें उबल कर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। गैस को मैंने अभी तेज ही रखा है। मुझे इसे करते हुए 5 से 7 मिनट का समय हो चुका है। गाजर जो हमारी इस तरह से काटने पे कट रही है, सॉफ्ट हो गई है, देखिए बिल्कुल आसानी से। लेकिन इसका जो दूध है हमें पूरा सुखाना है। जो बाकी का बचा हुआ मेरा 1 लीटर और दूध है वो भी मैं पूरा इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने पूरा एक बार में इसी रहने डाला था ताकि उधर भी मेरा दूध बॉईल होता रहेगा, इधर भी होता रहेगा, तो काम जो है थोड़ा सा मेरा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, बस इससे से अभी थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें दूध अभी काफ़ी सारा, जब दूध कम होने लगेगा जब इसे हमें बार बार हिलाना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है। मुझे इसे बॉईल करते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है। देखिए काफ़ी अच्छे ये गाढ़ा भी होने लगा। आप देख सकते हैं कितना दूध जो हमारा गाढ़ा हो गया है। बस इसी स्टेज में जब ये आने लगे
ये मैंने मेजर लिया है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको दबाना। ये देखिए, क्योंकि गाजर जो है हमारी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, जब थोड़ा ही हम मैश करेंगे तो ये मैश होने लग जाएगा। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, बर्तन भी आपके ज्यादा खराब नहीं होंगे। अगर इसे हम घिसते हैं तो आपकी थाली भी होगी, ग्रेटर भी होगा और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस तरह से मैश करने पे हमें टाइम बिल्कुल कम लग रहा है। ये देखिए, मैश होना हमारा स्टार्ट हो गया है। हमें बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसे अब दबा दीजिए। बाकी इसे हम अच्छे से भूनते जाएंगे तो भूनने में ये हमारा मैश होने लगेगा। ये देखिए कितनी जल्दी हमारी ये मैश होना स्टार्ट हो गई है। बस इसी तरह से मैं इसे पूरा मैश कर लूँगी, बस इस स्टेज पे आ जाएगा। उसके बाद इसे आपको कंटिन्यू बार बार चलाना जरूरी है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। काफी अच्छे से गाजर जो हमारी मैश हो गई है, मैंने इसे बहुत ज्यादा बारीक नहीं करा है, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया। बड़े पीस अगर कुछ आपके दिख रहे हैं तो इसे आप दबा देंगे तो ही हो जाएगा। दूध भी देख सकते हैं, मैंने इसे 5 मिनट मैश करते हुए करा है गाढ़ा। ये देखिए दूध हमारा काफी हद तक इसमें सूख गया है। अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। 2 किलो मैंने, 2 लीटर मैंने दूध लिया है, 2 किलो मैंने गाजर लिए। इसी के हिसाब से मैं आपको शक्कर बता रही हूँ। मैंने 200 ml का जो कप आता है, ml का कप है ये मेरा, इसलिए इससे मैं 2 कप से थोड़ी सी कम शक्कर डालूंगी। देखिए थोड़ा सा मैंने खाली रखा है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है 2 कप भर कर भी आप डाल सकते हैं। ये वजन में लगभग 300 से 325 ग्राम मेरी शक्कर है। इतना परफेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा मीठा है ना ही इससे फीका रहेगा, मीडियम मीठा हो जाएगा। आप शक्कर डालने के बाद इसे आपको कंटिन्यू चलाना जरूरी है, क्योंकि शक्कर के तले में जाके बैठती तो चिपकने के चांस जो है इसके थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये देखिए मुझे शक्कर डालने के बाद इसे इस तरह से भूनते हुए 8 से 10 मिनट का समय हो चुका है। लगभग इसका जो दूध है वो भी हमारा पूरा सूखने आया है। जो हमने शक्कर डाली थी उसका जो पानी निकला वो भी हमारा पूरा सूख गया है। इस हलवे को देखकर आप बोल ही नहीं सकते हैं कि इसे हमने बिना ग्रेट करे बनाया। इसमें आप मावा भी देख सकते हैं, कितना सारा दिख रहा है। देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट जो है, पूरा दूध जो हमारा गाढ़ा हो गया है। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच घी डालूंगी, ताकि इसमें एक अच्छी सी चमक भी आ जाए और कलर भी जो थोड़ा सा हमारा इसका डार्क हो जाए, क्योंकि इसे हम बिना कलर के बना रहे हैं। इसमें हम कोई भी कलर या केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। घी डाल दिया, इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल में, हलवाई स्टाइल में हमारा गाजर का जो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ गाजर, दूध, घी और शक्कर, सिर्फ 4 चीजों से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। कोई दूसरी एक्स्ट्रा चीजें इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करी है, ना ही हम कोई मलाई डाल रहे हैं इसके अंदर, ना ही इसके अंदर हमने मावे का यूज करा है, ना ही कोई मिल्क पाउडर यूज करा है। फिर भी ये हमारा जो हलवा बनेगा काफी बढ़िया और टेस्टी लगेगा। ये देखिए गाजर का हलवा बिल्कुल मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं साइड से पूरा आपको हल्का हल्का घी नजर आएगा। गैस को अब मैं बंद कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ना दूध का पानी है, ना ही शक्कर का जो पानी निकलता वो भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से ये पूरा ड्राई हो चुका है। इसी के अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास रखे हैं आप डालना चाहते हो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई बादाम लिए, थोड़े से बड़े टुकड़े मैंने तोड़ के काजू लिया है, थोड़ी सी पिस्ता। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गाजर का हलवा बना है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। ये देखिए, इसे देखकर और खाकर आप बता ही नहीं सकते हैं कि इसे हमने बिना घी से और बिना मावा का बनाया है। इसी के ऊपर थोड़े से मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। कितना बढ़िया हमारा ये गाजर का हलवा बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।